कोर्ट पहुंचे एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल की पेशी, मान हानि मामले में हो रही है सुनवाई। गृहमंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्पणी का मामला है। कर्नाटक चुनाव में शाह पर की गई थी टिप्पणी। विजय नेता, आपको बता दें कि बीजेपी के जो नेता है विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था केस। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है, तो एमपी एमएलए कोर्ट पहुंच गए राहुल गांधी। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ता उनके आपको बता दें फूलों की बारिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें, ये तस्वीरें राहुल गांधी से मिलने के लिए कार्यकर्ता में काफी उत्साह। फतेहपुर की ये तस्वीरें, तो आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ। आशीष, सुल्तानपुर कोर्ट पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और कार्यकर्ताओं में तो जोश दिख रहा है, फूलों से स्वागत कर रहे हैं उनका। हाँ देखिए, आज राहुल गांधी एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे तो वहां पे नगर में ही कई जगह कांग्रेसियों ने इनके स्वागत किया है, जमकर नारेबाजी की और गोली बरसाए। तो अभी राहुल गांधी फिलहाल 15 नंबर कोर्ट में है जो की एमपी एमएलए कोर्ट है, वहां पर सुनवाई चल रही है। आज उनको तलब किया गया था, कई पेशियों पे वो हाजिर नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो कहीं कोर्ट में व्यस्त थे, तो कहीं पर उनका जो चुनावी यानी अभियान चल रहा था इस कारण वो नहीं आ पा रहे थे। आज इनको कोर्ट ने पेश करने का आदेश दिया था, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी पेश हुए हैं और अंदर जो है जो विधिक कार्रवाई चल रही है। चलिए आशीष, अभी 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 आज क्या कोई फैसला आ सकता है इस मामले में, या अभी कुछ क्या अपडेट आज इसके आज जो सुनवाई होगी? नहीं देखिए, इनकी जो इन्होंने 20 फरवरी को ही इनकी इस मामले में जमानत हो गई थी, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है इनको अपने जो जिन पर आरोप लगे हैं इनको व्यक्तिगत रूप से आरोप के बारे में बताना होगा, जिस कारण इनको व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होता है। ये एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के तहत आज ये आए हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आज ये ना आते तो कोर्ट इनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेंगे, खिलाफ फाइल जारी कर सकती थी। उसको देखते हुए राहुल गांधी यहाँ पेश हुए हैं और माना जा रहा है कोई अगली तिथि जल्दी नियुक्ति की जाएगी। राहुल गांधी कोर्ट में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी।